जय हिंद। स्वागत करते हैं भगत सिंह जी के क्लास में। आज हम लोग देखेंगे भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का वर्णन आर्टिकल्स 52 में है। 52 में कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा और ये राष्ट्रपति कार्यपालिका के सबसे हेड होंगे, यानी कि राष्ट्रपति के सिग्नेचर के ही बाद कोई कानून बनेगा या किसी प्रकार का बात विवाद होगा। ठीक है, तो भारत के यानी प्रथम नागरिक भी कहा जाए तो ये राष्ट्रपति ही है। ठीक है, कार्यपालिका के सबसे हेड राष्ट्रपति ही है। संसद जब बताए थे तो उसके 3 अंग बताए थे, राष्ट्रपति, लोकसभा, ये राज्यसभा सभा लोकसभा। इसमें तो बहुत सारे आदमी बैठते हैं, लगभग 545। इसमें भी बैठते हैं लगभग 200-245, लेकिन ये राष्ट्रपति एक अकेला होता है, एक ही आदमी होता है। ठीक है, जो कानून ये मिलकर यानी इतना मिलकर बना सकता है, ये इतना ये अकेले बना सकता है, इसके पास भी ताकत होता है, बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है राष्ट्रपति। लेकिन भारत के जो राष्ट्रपति हैं ये संवैधानिक यानी प्रधान होते हैं, संवैधानिक प्रधान होते हैं, यानी कि संविधान में राष्ट्रपति को प्रधान बताया गया है। लेकिन वास्तविक बात करें, वास्तविक में बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री हेड होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, यानी कि भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो हेड होते हैं। लेकिन संवैधानिक हेड की बात करें तो राष्ट्रपति होते हैं। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि भारत का प्रधान कौन होता है तो इसका आंसर राष्ट्रपति होगा, क्योंकि ये संवैधानिक तौर पर होता है। ठीक है, लेकिन वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होते हैं। भारत के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति जो है संसद भवन के यानी कि अंग हैं, 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, तो अंग हैं। ठीक है, अब आता है बात, राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या चाहिए। तो जान तो गए कि राष्ट्रपति सबसे महान होते हैं, भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। अब जानेंगे कि राष्ट्रपति की योग्यता योग्यता क्या होनी चाहिए। राष्ट्रपति के लिए कोई भी राष्ट्रपति बन सकता है तो उसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। अगर आर्टिकल्स की बात करें तो 58 में योग्यता के बारे में है कि राष्ट्रपति की योग्यता क्या होना चाहिए। तो पहला, भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक, दूसरा, 35 वर्ष का उम्र पूरा हो चुका हो। तीसरा कहता है किसी भी लाभ के पद पर ना हो, किसी भी लाभ पद पर ना हो। ठीक, चौथा कहता है लोकसभा का सदस्य बनने योग्य, लोकसभा सदस्य बनने लायक हो। ठीक है, जीत हार से मतलब नहीं है। पहला क्या है, वो भारत का नागरिक होना चाहिए किसी भी कार्य के लिए, 35 वर्ष का उम्र पूरा हो चुका हो, 35 वर्ष से ज़्यादा ही होना चाहिए, अगर 35 वर्ष से एक दिन भी कम है तो ये राष्ट्रपति के चुनाव नहीं लड़ सकते, किसी भी लाभ के पद पर ना हो। भारत के जो संविधान में लिखा गया है तो लाभ का पद क्या है ये मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन एक बात यहाँ पे मेंशन किया गया है कि कौन सा पद लाभ का पद नहीं होता है,
लाभ का पद नहीं होता है, नहीं होता। तो इसमें आ जाएगा राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, राज्यपाल का पद, राज्यपाल का पद, कोई भी मंत्री हो, मंत्री का पद, चाहे वो राज्य का हो, स्टेट या सेंट्रल, कहीं का मंत्री हो, ये चार चीज़ लाभ के पद पर नहीं माना जाता है। राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, राज्यपाल का पद या मंत्री कोई भी हो, MLA हो, MP हो, कोई भी हो, नहीं होता। ऐसा कहा जाता है कि ये सब जो हैं ये लाभ के पद पर नहीं होते हैं, ये जनता के भलाई करने के लिए होते हैं, जनता के नौकर होते हैं, इसीलिए ये सब पद को यानी कि लाभ के पद पर नहीं रखा जाता है। लाभ के पद में सरकारी जॉब में है तो उसे संविधान में लाभ का पद का दर्जा दिया गया है, लेकिन ये सब पद सरकार यानी जनता की सेवा के पद के लिए जाना जाता है, ठीक है, संविधान में ऐसा वर्णन है। अगर इतनी चार अगर चीज़ तो भारत के लगभग सब नागरिक के पास हैं, भारत का नागरिक है, 35 वर्ष से भी उम्र लगभग 50% भारतीय होगा किसी भी लाभ के पद में, नौकरी तो पूरा अगर पूरे जनसंख्या की बात करें भारत की तो 100% में मात्र 3.5% आदमी के पास सरकारी जॉब है, चाहे वो चपरासी हो चाहे IAS ऑफिसर हो, 3.5% में ही आ जाते हैं। तो यानी कि 96% लोग राष्ट्रपति पद के लड़ने के लिए योग्य हैं, किसी भी लाभ के पद में ना हो, सरकारी नौकरी है तो लाभ के पद में नहीं, लोकसभा के लिए सदस्य बनने योग्य हैं, बनने योग्य हो चाहे जीते चाहे रहे उससे मतलब नहीं। तो अगर ऐसा इतना ही अगर रहता है क्राइटेरिया कि योग्यता इतना ही राष्ट्रपति के लिए, तब तो राष्ट्रपति के लिए जो नॉमिनेटर होता है तो वहाँ तो लगभग 50 लाख से ज़्यादा भी फॉर्म गिरता, यानी कि लोग अप्लाई करते कि हम भी उठेंगे राष्ट्रपति चुनाव के लिए। लेकिन इस सबसे अभी जैसे जो मुखिया का ही चुनाव ले लीजिए, एक मुखिया के सीट में लगभग 10 से 15 मुखिया उठते हैं, तो एक छोटा सा मुखिया, जबकि भारत के सबसे बड़े पोस्ट राष्ट्रपति के पद हैं तो वहाँ तो और भीड़ लगता। तो इसी भीड़ को कम करने के लिए, इसी भीड़ को कम करने के लिए चुनाव आयोग ने 50 अनुमोदक 50 तावक, ये 50 अनुमोदक 50 प्रस्तावक है क्या पहले जानेंगे, ये होता कौन है, ठीक है। अनुमोदक यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए राष्ट्रपति खुद आगे नहीं आते कि हाँ हम लड़ेंगे, ऐसे 50 MLA या MP चाहिए, MLA या MP या MP, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ऐसे 50 MLA या MP चाहिए जो आगे आए बोले कि हाँ फलने को मैं अपना राष्ट्रपति बनाने के लिए तैयार हूँ, यानी कि उसका नाम का वो क्या कहते हैं आगे प्रचार करे कि हाँ यही व्यक्ति होंगे हम लोग का यानी कि राष्ट्रपति। अब 50 ऐसे यानी कि MLA MP होंगे जो प्रस्तावक के लिए तैयार होंगे, हाँ हम सपोर्ट करते हैं कि ये हमारे अगले राष्ट्रपति होंगे। तो MLA MP ऐसा नहीं है कि 50 किसी भी भवन से आ सकता है, MLA ठीक है, MP हो सकता है, लोकसभा राज्यसभा से ही, लोकसभा से ही 50 आ जाए, राज्यसभा से ही 50 आ जाए, तो ये बात है, कहीं से भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ एक ही सदन से हो। तो ऐसे ऐसे लगभग 50 कितना हो गया, 100 MLA MP से जिसका पकड़ है तो वो राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकते हैं, और आम नागरिक के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 MLA MP से पकड़ होता है, 100 MLA MP पकड़ की बात नहीं, ये कोई बड़े नेता का ही काम है। तो इसीलिए आम आदमी यहाँ पे चुनाव नहीं लड़ सकते हैं राष्ट्रपति के, ठीक है, कोई दिक्कत, 50 अनुमोदक 50 प्रस्तावक होना जरूरी है, ठीक है।
योग्यता में कोई दिक्कत नहीं, अनुच्छेद 58 में भारत के राष्ट्रपति के योग्यता के बारे में बताया गया है। योग्यता के बाद आता है निर्वाचन। निर्वाचन कैसे होता है, निर्वाचन किसके निर्वाचन में कौन कौन भाग लेंगे। ये आर्टिकल्स कितने में है, ये है आर्टिकल्स 44 में, कितने में है 54 में आर्टिकल्स 54 में वर्णन है निर्वाचन का। तो अब कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। ये होता है समान अनुपातिक प्रणाली द्वारा समान अनुपातिक पद्धति द्वारा इसका चुनाव होता है, ठीक है। अब इसमें भाग कौन कौन लेते हैं तो देखते हैं, ठीक है, भाग कौन कौन लेगा। ये बनाते हैं स्टेट गवर्नमेंट, ठीक, ये हुआ सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट में दो होता है, सब में नहीं होता है, सब राज्य में नहीं होता है। जैसे एक होता है विधानसभा और होता है विधान परिषद, ठीक है। सेंट्रल में होता है लोकसभा और राज्यसभा। तो कौन कौन इसमें वोट डाल सकते हैं उसके बारे में देखेंगे। विधानसभा तो लगभग 28 राज्य में है, वर्तमान में 28 राज्य, तो 28 राज्य में है, लेकिन विधान परिषद की बात करें तो 6 राज्य में ही है। पहले 7 में था, जम्मू कश्मीर को जब से हटाया गया तो अब 6 राज्य में हो गया। तो विधान परिषद सभी राज्य में नहीं है, तो इसके कारण विधान परिषद को शामिल नहीं किया गया है। तो निर्वाचन में कहाँ कहाँ से आदमी आएंगे, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा से, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा से, ठीक है। लोकसभा में भी दो प्रकार के लोग होते हैं, मनोनीत और इलेक्टेड। मनोनीत दो सदस्य हैं, इलेक्टेड इसका यानी 545 सीट है, तो मनोनीत दो, बाकी 543 है इलेक्टेड। उसी तरह राज्यसभा में भी 245 सीट में मनोनीत की संख्या 12 है और इलेक्टेड की संख्या 233 है। तो सेंट्रल यानी कि पार्लियामेंट से एमपी से, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से टोटल संख्या कितना हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो 776, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट से यहाँ से कितना आएगा, 776 लोग यानी कि निर्वाचन में वोट दे सकते हैं। और स्टेट से कितने आएंगे, सबको जोड़ देंगे, जैसे यूपी में 403 है, पश्चिम बंगाल में 298, बिहार में 243, ऐसे करके सबको जोड़ेंगे तो ये आएगा 4133, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा समझना है, 4133 जितने भी विधानसभा 28 जिला राज्य का सबको जोड़ देंगे। अब 1992 के द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी के जो राज्यसभा के यानी विधानसभा के सदस्य थे उन्हें राष्ट्रपति में मतदान देने का अधिकार दिया गया, ठीक है। कब, 77वें संविधान संशोधन 1992 के तहत दिल्ली और पांडिचेरी दो केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के सदस्य को राष्ट्रपति के मतदान करने का दिया गया। दिल्ली में 70 है और पांडिचेरी में 30 है, ठीक है।
तरह इस तरह 100 जो बढ़े थे 1992 के बाद बढ़े हैं, ठीक है। तो अभी कितना है 4133। तो यानी कि कितने आदमी वोट देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, 600 777 और 4133 आदमी वोट देते हैं। लेकिन इस तरह वोट इसका नहीं निकाला जाता है, इसका विभिन्न पद्धति है, बताते हैं किस तरह निकाला जाता है। यह थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। फिर से समझिएगा, तो यहाँ पे एक विधायक या एमएलए का वैल्यू निकालेंगे, फिर एक एमपी का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। एक एमएलए का वैल्यू कैसे निकालेंगे, एमएलए, ठीक है, और एक एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि विधायक कहते हैं, विधायक जो प्रत्येक राज्य में होता है। तो कैसे निकालेंगे, जिस यानी कि जिस राज्य का निकाल रहे हैं, ठीक है, जिस राज्य का निकाल रहे हैं उस राज्य की टोटल जनसंख्या, टोटल पॉपुलेशन बाय टोटल इलेक्टेड विधायक, इलेक्टेड एमएलए, एमएलए, ठीक है, इनटू 1/1000, ये करना है। अब ये जनसंख्या कब का जनसंख्या लेना है, एक एमएलए बराबर, एमएलए बराबर, बड़ा सावधानी से समझना है। ये जनसंख्या जो लेना है ये 1971 के जनसंख्या को आधार मान के लेना है, ये नहीं कि अभी के जनसंख्या, 1971 के जनसंख्या को क्यों आधार मानेंगे, थोड़ा सा दो मिनट यहाँ पे। जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थे तो उस समय उसने नारा दिया था, उस समय भारत की स्थिति बहुत ख़राब थी, क्योंकि 47 में आज़ाद हुए थे, फिर 62 में चीन का हमला, 65 में पाकिस्तान, फिर 71 में बांग्लादेश को भी बनाने के लिए हम लोग को काफ़ी मशक्क़त करना पड़ा था। तो उस समय भारत की स्थिति बहुत ख़राब था, जनसंख्या बड़ा तेज़ी से बढ़ रहा था लेकिन संसाधन सीमित था हमारे पास, ठीक है। जिस समय पाकिस्तान के बीच हमला हुआ था तो लाल बहादुर शास्त्री पूरे देश को बोल दिए थे कि अमेरिका धमकी दे दिए थे कि अगर युद्ध ना बंद किया जाए तो पहले हमारे देश में गेहूं वहीं से आते थे, ये जब इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे तो वहाँ विस्तार से थोड़ा सा जान लेते हैं। तो उस समय लाल बहादुर शास्त्री ने पूरे देश को एक समय ही खाने के लिए बोला गया था कि हमारे देश में उतना संसाधन ही नहीं था, आबादी बहुत तीव्र गति से बढ़ रही थी। लेकिन जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो उसने नारा दिया था, हम दो हमारे दो, ठीक है, क्योंकि जनसंख्या जितने तेज़ी से बढ़ रहे थे हमारे पास संसाधन नहीं था। लेकिन हम दो हमारे दो का जो नारा दिया तो ये नारा उत्तर भारत में लागू ही नहीं हुआ, दक्षिण भारत के लोग तो जनसंख्या में नियंत्रण किए यानी बढ़े कम तीव्र से, लेकिन उत्तर भारत जैसे बिहार यूपी उधर का एरिया में कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। जब अगला जनसंख्या जनगणना हुआ तो देखा कि इधर के राज्य में तो जनसंख्या तीव्र यानी कि निम्न गति से बढ़ा, लेकिन उत्तर भारत की जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ा, जिसके कारण अगर इस उस टाइप से किया जाता तो पार्लियामेंट में दक्षिण भारत का यानी सदस्यता तो कम हो जाता, क्योंकि जनसंख्या उत्तर भारत का अधिकता ज़्यादा, वहाँ से एमएलए एमपी जाते। तो फिर इंदिरा गांधी ने बोला नहीं, अनुपाय यानी कि परिसीमान बनाया कि अब जो यानी किसी का भी जो चुनाव होगा एमएलए एमपी का तो उसका यानी कि जो आधार वर्ष रखा गया 1971 उसी के जनगणना के अनुसार लिया जाएगा, ठीक है। तो ये कारण है कि जब भी पॉपुलेशन लेंगे तो 1971 को देखते हुए लेंगे। तो ये निकालते कैसे हैं, जैसे मान लीजिए सबसे बड़ा राज्य है यूपी, ठीक है, यूपी का जनसंख्या अभी का मान लेते हैं 22 करोड़ है, ठीक, और वहाँ पे 403 सीट है, इससे डिवाइडेड करेंगे गुना 1/1000, ये जो वैल्यू आएगा ये एक एमएलए का वैल्यू आएगा, एक एमएलए का वैल्यू आएगा। इस तरह हम एक एमएलए का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, एक एमएलए का वैल्यू निकाले और जितना भी आएगा मान लेते हैं कुछ आएगा
मान लेते हैं 400 या कुछ इतना आ गया, अब इसको 403 से गुना कर देंगे जितना भी आएगा, ये उत्तर प्रदेश के एमएलए का वोट वैल्यू आया किसके प्रति, राष्ट्रपति का जो चुनाव, जैसे मान लो कुछ आएगा तो इतना वोट का वैल्यू हुआ है, यानी कि उत्तर प्रदेश से राष्ट्रपति को इतना वोट पड़ सकता है, ठीक है, अब किसी को भी पड़े लेकिन पड़ सकता है। तो इसी तरह जितने भी राज्य हैं, जो 28 राज्य दो केंद्र शासित प्रदेश है, इसी तरह बारी बारी से सबका वोट वैल्यू हम निकाल लेंगे। अगर सबका वोट वैल्यू निकालेंगे तो लगभग 543,420 या 32 ऐसे कुछ आएगा, ठीक है, टोटल टोटल यानी कि 28 राज्य और दो केंद्र शासित प्रदेश स्टेट प्लस दो यूटी को मिला देंगे तो इतना वोट वैल्यू आएगा टोटल एमएलए का, ठीक है। भारत के जितने 28 राज्य और दो केंद्र शासित प्रदेश है, लगभग इतना या 10-20 आगे पीछे हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। अब एक एमपी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो कहता है टोटल वैल्यू ऑफ एमएलए, टोटल वैल्यू ऑफ एमएलए बाय टोटल इलेक्टेड एमपी, ठीक है, और यहाँ पे 1/1000 से गुना नहीं करना है। अब जो भी वैल्यू आए, जैसे टोटल एमएलए कितना है, 543, ठीक, इतना बाय टोटल इलेक्टेड एमपी कितना है, 543, इसको अगर डिवाइडेड करते हैं तो लगभग 700 आएगा, ठीक है। ये एक एमएलए का है, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का है, लेकिन पार्लियामेंट में टोटल सदस्य कितने थे, 543 और 233 योग्य 677। अगर 677 को इससे गुना करेंगे, ठीक है, तो ये भी लगभग इसी के बराबर आएगा, 2-4, 10-20 इधर उधर कुछ आए, ठीक है, मान लेते हैं इतना आएगा। और टोटल दोनों का वोट अगर जोड़ दिया जाए तो ये लगभग 1,000,000 वोट से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो लेकिन वोट वाजिब में करते कितने आदमी हैं, 676 यहाँ पे, और राज्य से जो आते हैं वो टोटल आते हैं 4133, यानी कि टोटल हो गया कितना, 9, 10 की 0, 1 से बचा 1, 48। 48 तो 9 आदमी ही वोट डालते हैं, लेकिन उसके वोट के वैल्यू 1,046,000 के आसपास आता है, 86,000, 1,086,000, एक राउंड फिगर ले लेते हैं, 1,046,000 वोट वैल्यू होता है, ठीक है। और हम लोग जानते हैं, सुनते भी है कि इतना वोटों से फलने राष्ट्रपति चुनाव में हरा दिया, जबकि वास्तविक में कितना आदमी वोट देता है, 4,809 आदमी ही वोट देता है, 4,909 आदमी वोट देता है, ठीक है। वो लेकिन वोट कितने के बराबर होता है, 1,086,000 के आसपास का वोट का वैल्यू होता है, ठीक है। तो ये समझ गए कि कहाँ से किस तरह वोट दिया जाता है राष्ट्रपति को, ठीक है। अब आगे देखेंगे कि इसका चुनाव जो होता है, वोट देने का तरीका, वो कैसे होता है। थोड़ा सा जानेंगे क्या एंग्लो इंडियन को, यानी कि जिसे राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, उसे वोट देने नहीं दिया जाता, क्योंकि उसे तो राष्ट्रपति ही मनोनीत करते हो, तो राष्ट्रपति को ही वोट देंगे, तो इसीलिए हम राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य को राष्ट्रपति को वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया। अब आते हैं एकल हस्तांतरित मत प्रणाली क्या होता है, और राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष होता है और गुप्त मतदान के द्वारा होता है, ठीक है। लेकिन ये पहले से तय रहता है कि किसे मतदान देना है, लेकिन गुप्त रूप से दिया जाता है, ठीक है। एकल हस्तांतरित पद्धति को जानेंगे कि इसका चुनाव जो होता है किस प्रकार होता है, देखेंगे, ठीक है। वो प्रत्यक्ष क्यों होता है, क्योंकि इसे हम मतदान नहीं देते, हमारे द्वारा जो
एमएलए एमपी चुने गए हैं उसके द्वारा मत दिया जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव होता कैसे है देखते हैं। मान लेते हैं तीन उम्मीदवार हैं, राम, श्याम और गोपाल। गोपाल, ठीक है। प्रधान राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अभी भी बैलेट पेपर में होता है, ना कि ईवीएम मशीन में, ठीक है। और इसमें अनुपातिक समानुपातिक चुनाव यानी कि मतदान होता है, आपको सबको वोट देना है। और ऐसे चुनाव में क्या होता है, नॉर्मली चुनाव में कि आप एक आदमी को ही वोट दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक आदमी सभी आदमी को वोट देते हैं। इसी पद्धति को कहते हैं अनुपातिक समान अनुपातिक पद्धति। जैसे मान लीजिए अब तीन राष्ट्रपति के चुनाव के लिए उठे हुए उम्मीदवार हैं, ठीक है। अब ये तीन को कैसे मत दिया जाता है, जैसे ये इसको क्या कहते हैं वरिष्ठ पद्धति द्वारा में मतदान कराया जाता है, ठीक है। जैसे देखिए राम, श्याम और गोपाल तीन है, तीनों को वोट देना है। अब मान लिए राम हमको सबसे अच्छा प्रिय है, तो राम को एक नंबर में दिए कि नहीं, राम को भारत का राष्ट्रपति बनना चाहिए। मान लीजिए राम राष्ट्रपति नहीं बनता है, तो ऑप्शन दो भी आपको चुनना है कि दूसरे में आप किसको चाहते हैं। मान लेते हैं हम गोपाल को दूसरे में चुने, तो ये नहीं कि तीसरा को वोट नहीं देना है, आपको इसको भी नंबरिंग करना है कि इसको कितना अंक देना है। तो पहला में इसको दिए, दूसरा में, तो ये तीसरा में ऑटोमेटिक आ जाएंगे, ठीक है। ये पहला आदमी वोट दे के निकल गया, फिर दूसरा आदमी आया बोला ना राम अच्छा नहीं है, राम को वोट नहीं देना, हमको श्याम को वोट देना है। पहला दे दिया श्याम को वोट, ठीक है। कि अगर ये सेकेंड आदमी चाहते हैं, ये फर्स्ट ये सेकेंड, ठीक है। तो फर्स्ट आदमी चाहे कि राम राष्ट्रपति बने, ठीक है। सेकेंड आदमी चाह रहे हैं कि श्याम राष्ट्रपति बने, गोपाल को चाहते हैं अगर श्याम ना बने तो गोपाल बने, ठीक है। और थर्ड में दे दिया राम का नाम, ठीक। अब तीसरा आदमी आया, ये कहता है नहीं राम नहीं, राम को राष्ट्रपति, राम से एक बार मेरा पंगा हुआ था तो राष्ट्र को राम को तीसरा नंबर में देंगे। अब गोपाल को दे दिया पहला कि गोपाल को बनाएंगे दूसरा इसको, ठीक। अब चौथा आदमी आया, फोर्थ आया, अब कहता नहीं राम को यानी कि राष्ट्रपति बनना चाहिए, एक दे दिया। इसको दे दिया सेकंड, ठीक है, कि नहीं सेकंड में होना चाहिए, और गोपाल को थर्ड में रख दिया, ठीक। अब पांचवा आदमी आया, तो गोपाल को बोला ना ये मेरे लिए अच्छा नहीं था, इसको सेकंड में रख दिया। श्याम को बोला नहीं ये अच्छे थे, इसको वन रैंक दिया, और गोपाल को तीसरा रैंक दिया। अब इस तरह कितने आदमी टोटल कितने बताए थे, 4933 आदमी मतदान करेंगे, क्योंकि एमपी से आए थे कितना 776 और एमएलए से एमएलए टोटल एमएलए भारत की टोटल एमएलए एमएलए कितना था 4133, जो 28 राज्य और 2 केंद्रशासित प्रदेश दिल्ली और पांडुचेरी का एमएलए थे। तो सबको इस तरह नहीं लिख सकते हैं, तो कुछ को लिख के हम एग्जांपल से समझेंगे, ठीक है। अब मान लेते हैं चुनाव खत्म हो गया, अब मतगणना हो रहा है। अब देख रहे हैं कि पहला राम को कितने आदमी ने पसंद किया था कि ये राम राष्ट्रपति बने। एक आदमी यहाँ है, एक आदमी यहाँ, दो आदमी चाहे थे कि राम राष्ट्रपति बने, पहला चॉइस राम था। श्याम को देखते हैं, श्याम को कितने आदमी ने चाहा कि राष्ट्रपति बने, इसमें भी दो आदमी। गोपाल को एक आदमी, एक आदमी आ गया, तो ये जैसे कम हुआ यानी कि जो कम सबसे कम रहेगा वो अपने हट जाएगा, ये हट जाएगा। इसका जितना भी वोट आया है, जैसे 1,86,000 वोट पड़े होंगे टोटल, तो इसका जितना भी वोट आया होगा ये दोनों को बराबर बराबर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, राम और श्याम को, ठीक है। अब इसी को कहते हैं, ये जो पहला चरण हुआ, इस ये जो पहली बार काउंटिंग हुआ, इसको कहते हैं प्रथम चरण का चुनाव। अगर इसमें किसी की राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार नहीं मिला तो फिर से दूसरा चुनाव होगा। दूसरा चुनाव का मतलब द्वितीय चरण कहते हैं जिसे, ठीक है। द्वितीय चरण में क्या होगा कि अब देखेंगे, द्वितीय चरण में राम को द्वितीय लोग कितने आदमी थे कि राम को राष्ट्रपति बनाना चाह रहे थे, यहाँ पे एक आदमी है, एक। लेकिन श्याम को देख रहे हैं इसका तो काम खत्म है, ये काम खत्म है, इससे कोई मतलब नहीं, इसका जितना भी वोट था ये दोनों को आपस में बराबर बराबर बांट दिए।
अब ये देख रहे हैं, एक दो दो आदमी चाहते थे सेकेंड में कि श्याम भारत के राष्ट्रपति बने, तो यहाँ से तो द्वितीय चरण में ये एक है, लेकिन ये दो दो आदमी इसके पक्ष में है, तो यहाँ से विनर घोषित हो जाएगा श्याम। ठीक है, श्याम क्या हो जाएगा? विनर, विनर। तो इसे कहते हैं वरिष्ठ पद्धतम पद्धति। ठीक है, वरिष्ठता के आधार पे, लेकिन जो वोट दिए पहले इसको उसको ये कहते हैं अनुपात, समान अनुपातिक वोट आपको सबको देना है। ठीक है, इसी द्वितीय चरण में जो है बीबी गिरी पहली बार भारत के राष्ट्रपति बने थे दूसरे चरण में, यानी कि प्रथम बार चुनाव हुआ था, पहले चरण में हुआ था तो बराबर निकल गए थे, फिर द्वितीय चरण में हुआ था इसी टाइप के जैसा हमने बताया, तो उसने राष्ट्रपति बन पाया। पूछा जाता है कि द्वितीय चरण में कौन ऐसे राष्ट्रपति है जो द्वितीय चरण में भारत के राष्ट्रपति बने थे, तो बीबी गिरी। तो यही था इसका पद्धति क्या था, समझ ही गए होंगे। ठीक है, अब राष्ट्रपति के आगे का देखते हैं क्या है। कहा जाता है कि राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए, नामांकित होने करने के लिए राष्ट्रपति के उम्मीदवार को 15,000 रुपये RBI या भारतीय खजाना, यानी कि सरकारी खजाना, सरकारी खजाना में जमा करना होता है, जमा करना होता है। जो राष्ट्रपति के उम्मीदवार होंगे वो अपने RBI के पास 15,000 का जो मुआवजा जो है, क्या कहते हैं उसको, जो मोटी रकम होती है उसे जमा देना होगा। ठीक है, अगर राष्ट्रपति के उम्मीदवार टोटल मत का 1/6 वोट नहीं ला सके तो इसके जमानत राशि जब्त कर लिया जाएगा। ठीक है, 1/6 मान लेते हैं जितना भी वोट हुआ उसका 1/6 वोट अगर नहीं लाता है तो इसकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी, ये पैसा सरकारी खजाना या RBI अपने पास रख लेता है। अगर कोई उम्मीदवार लाता है वोट लेकिन नहीं जीतता है तो ये पैसा उसे चुनाव के बाद रिटर्न कर दिया जाएगा। अब बात आता है कि अगर चुनाव से संबंधित कोई समस्या होता है तो कहाँ जाएगा। राष्ट्रपति अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति का चुनाव कराने योग्य हैं। ठीक है, वही करवाते हैं। अगर 71 आर्टिकल्स कहते हैं, आर्टिकल 71 अगर प्रधान राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई भी समस्या हो तो हाई कोर्ट में नहीं सीधे सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा। ठीक है, कहाँ चुना जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में। तो ये इसके खिलाफ जा कौन सकता है? तो जा सकता है वही जो इलेक्टेड मेंबर थे निर्वाचन मंडल का, जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, वो अगर आप डाले ऑब्जेक्शन कि राष्ट्रपति के चुनाव में धांधली हुआ है तो वो सुप्रीम कोर्ट में FIR कर सकता है। ठीक है, चार्जशीट दाखिल कर सकता है।